Hi, a very good morning to all of you. Have a good, happy winters. Just want to show you a new, brand new product, which is a beer. इसे कहते हैं beer. और ये कोई मामूली beer नहीं है. इसे कहते हैं protein beer. तो आपको मिलता है इसके अंदर 21 ग्राम protein with a beautiful flavor of grape. So this is a protein beer which is available with us. Anyway. So well, this is not a marketing video. एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ कल पूरे शहर में आई जो हमारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर, और ये बहुत अच्छा टॉपिक मुझे मिला जिसके ऊपर मैं कुछ बोल पाऊँ. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मुझे लगा कि ये न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो को, इस न्यूज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे आप सब जुड़े हैं, आपकी हेल्थ जुड़ी है. कल दिल्ली में, मुजफ्फरपुर है या नगर है, मुजफ्फरपुर में 1.5 सीआर के, मतलब करीब 1.5 करोड़ रुपए के नकली सप्लीमेंट्स मिले पुलिस को, जिसके अंदर सारे वो मेन ब्रांड्स, जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं जो आप खाना पसंद करते हैं, उनके नकली स्टॉक बन रहे थे. उनमें से कुछ थे यूनिवर्सल, उनमें से कुछ थे अल्टीमेट न्यूट्रिशन, प्रोस्टार, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, ये सब वहाँ मिले हैं. ये दिस इज़ अ प्रिंटेड रिपोर्ट ऑन टीवी एंड ऑन मीडिया एवरीवेयर. आई विल ऑल्सो शेयर अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ वीडियो एंड यू नो अ प्रॉपर लीगल पेपर जो ये कल हुआ है. तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, इससे हमें सीखने में क्या मिल रहा है, हमको ये समझना पड़ेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. जो लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं या जो लोग सप्लीमेंट्स खाने की सोच रहे हैं और जो लोग सप्लीमेंट्स खाने से डरते हैं, उनके लिए भी सबसे पहली बात, डरना नहीं है. नकली किस चीज़ का नहीं बनता है मुझे बताइए. प्यूमा के शूज़ का भी नकली बनता है, नाइकी के शूज़ का भी नकली बनता है, और उन नकली चीज़ों के भी हम उनसे 4 गुना पैसे देकर के खुश होते हैं कि अरे भाई हमने तो कॉपी, फर्स्ट कॉपी लिया है. काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं, सर ये तो फर्स्ट कॉपी है. अरे आप उस वक्त ये नहीं बोल रहे हो, ये नहीं देखते होते कि डुप्लीकेट है, ये उसका ओरिजिनल पीस नहीं है. वो फर्स्ट कॉपी देखकर भी खुश होते हैं, फर्स्ट कॉपी तो है. तो जब हम सप्लीमेंट्स की कभी, हम तो खैर क्या, जब ये लोग फिर या तो सप्लीमेंट्स नकली बेचते हैं, फिर उनकी भी फर्स्ट कॉपी खाइए, तब तो हम डर जाते हैं. तो इन दोनों को एक ही तराजू में तोलिएगा. फर्स्ट कॉपी चाहे वो सप्लीमेंट की हो चाहे वो नाइकी की हो, गलत है. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मत खाइए. अगर सप्लीमेंट आपको महंगा लगता है तो मैं कहता हूँ मत खाइए. आप कंसल्टेशन के लिए बैठिए, मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल डाइट के अंदर से किस तरीके से अपन अपना प्रोटीन और सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं. जो लोग खा रहे हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ा बोलते हैं कि टर्निंग पॉइंट होना चाहिए. क्योंकि हालांकि ऐसी न्यूज़ पहले भी आई हैं, बट ऐसे टाइम पे आना जब मार्केट अवेयर हो रहा है सप्लीमेंट्स के बारे में, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचिए अगर आज ये हो रहा है तो सोचिए आज से 3 साल बाद क्या होगा. तो सप्लीमेंट्स तो खाना ही चाहिए, बिना सप्लीमेंट के लाइफ नहीं है आजकल की. क्योंकि किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं हम लोग, कोरोना में जी रहे हैं हम लोग, कलयुग में है जहाँ कलह है, पाखंड है, हम वहाँ जी रहे हैं है? जिसके अंदर कलयुग की तो अभी शुरुआत ही है. केवल 5,000 साल निकले हैं कलयुग के, 3,95,000 साल और बाकी हैं. अगर आज ये हाल है तो सोचिए आज से 20 साल बाद क्या होगा जब आप और हम जिंदा होंगे. तो हम लोग 25% की बात करते हैं जो धर्म निरपेक्ष हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो धर्म से मेरा अर्थ ये है कि जो सही चीज़ करना पसंद करते हैं. जो लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं, समझिए सप्लीमेंट्स खाइए पर सोर्स देख करके खाइए, सस्ता देख करके मत खाइए. दोनों सह से शुरू होते हैं. सोर्स क्या है, हम तो ऑनलाइन ख़रीद लेंगे. अब ऑनलाइन के ऊपर क्या, हेल्थ कार्ड्स हैं, अमेजोन से, स्नैपडील्स है, या पता नहीं 2-4 और हैं आजकल. बहुत इट्स मतलब कचरा भरता जा रहा है. जिसको देखिए वेबसाइट बना करके जो है सप्लीमेंट बेचना शुरू कर दीजिए, कर देते हैं. देखिए खाने की चीज़ है, सबसे पहले तो ऑनलाइन पे ट्रस्ट करना बंद करें. कुछ भरोसा नहीं होता है, ठीक है, वो एक अपने तरह का बिजनेस मॉडल है. खाने की चीज़ पर भरोसा ना करें. मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है. खाने की चीज़ मत करें, पेट में जा रहा है. दूसरी बात, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर खुद देखकर खरीदिए. खुद जाइए उस स्टोर पे, जाइए देखकर खरीदिए. हालांकि मैं थोड़ा सा
मेरा खुद के काफ़ी होलसेल क्लाइंट्स हैं जो जिम्स में देते हैं, जो ट्रेनर्स हैं उनसे भी आप खरीदते हैं। अच्छी बात है, खरीदना चाहिए भी, दैट्स माई जॉब टू सेल देम। बट इफ़ आई टॉक एज अ कंज्यूमर, मी माई सेल्फ पर्सनली विल गो टू अ स्टोर, फाइंड द राइट प्रोडक्ट, चेक इट, एंड ऑन द बेस्ड ऑफ द गुडविल ऑफ द स्टोर आई विल बाय दैट प्रोडक्ट। तो जहाँ से आप खरीद रहे हैं उनकी गुडविल, उनकी रेपुटेशन, उनका वर्क एक्सपीरियंस प्लस उनकी नॉलेज रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स देख करके खरीदना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं, सर आप बताइए क्या खाएं। अच्छा सर मुझे आप डाइट दे दीजिए। देखिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आई मे जस्ट बी अ स्टोर ओनर, आई मे जस्ट हैव इन्वेस्टेड मनी इन टू दिस। 20 लाख रुपए का माल लिया, बेचा, तो मुझे कैसे ज्ञान होगा कि किसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अनलेस आई एम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट आई वोंट बी एबल टू टेल यू कि भाई तुम्हें क्या खाना है। और यहीं पर ही आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अदर सप्लीमेंट स्टोर इन द सिटी, दे मे बी योर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू दैट्स योर डिसीजन टू गो देयर एंड बाय। बट द पॉइंट इज कि आप खाने की जो सलाह है, किसको कैसे खाना है, कौन सा खाना है, वो एक प्रोफेशनल से लीजिए। वो कोई और कोई भी हो सकता है, वो मैं हो सकता हूँ, वो कोई भी हो सकता है। एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसके अंदर, हालांकि अभी तक आप मेरे मुँह से यही सुन रहे होंगे कि लोग जोधपुर के अंदर एक्सरसाइज साइंस की बहुत कमी है और नॉलेज की बहुत कमी है, बट रिसेंटली मैंने कुछ 4-5 ट्रेनर्स देखे जो अच्छी जगह से पढ़ाई करके आ रहे हैं जोधपुर के अंदर। और ये भी मेरा ही फ़र्ज़ बनता है आप तक ये बात पहुँचाना कि ये कौन लोग हैं। मैं इनके नाम भी आपको बताऊँगा, इनफैक्ट इनमें से 2-3 जने तो ऐसे हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ। मैंने उन्हें केवल उनका इंस्टा प्रोफाइल देखा है, मैंने उनके बारे में सुना है बिकॉज आई सिट इन द इंडस्ट्री। तो मैं उनके नाम बताऊंगा आपको कि ये बंदा है, ये यहाँ से कोर्स करके आया है, ये बंदा है, ये यहाँ से कोर्स करके आया है। तो और केवल एक बात और बड़ी बात, केवल कोर्स कर लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। मैं आपको केवल उन लोग के नाम बताऊंगा जिनके अंदर एक टीचिंग सेंस भी है। आप समझिएगा इस चीज़ को, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टीचिंग सेंस, वेयर दे आर वर्किंग आई कांट शेयर दैट, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू द नेम्स। सो कमिंग बैक टू दी मेन टॉपिक, सप्लीमेंट्स आप अपने शहर में के जो स्टोर हैं, जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके पास जाकर के लीजिए। ठीक है, उनके साथ बैठ के चर्चा कीजिए कि भाई इसका आप सोर्स कैसे करते हैं, आप उसका मुझे बिल दिखा दीजिए, आप मुझे बिल दे दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आप क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दैट हैज़ टू दैट शुड कम फ्रॉम राइट पर्सन। जब मेरे को बैक में पेन होता है तो मैं डॉक्टर अजय परिहार के पास जाता हूँ, ही इज़ माई काइंड ऑफ वेरी क्लोज एंड फैमिली फ्रेंड। तो बिकॉज आई नो हिज यू नो हिज वे ऑफ वर्किंग, आई नो ही इज़ अ प्रॉपर डॉक्टर। तो इस तरीके से हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर भी किसी को कह देने से पूछ लेने से नहीं चलता है। एक तरफ तो नकली बिक रहा है, ऊपर से उस नकली को भी आप इस बड़े रिस्क में है किसी से भी पूछ कर खा ले रहे हैं। हो सकता है कि एक प्रोफेशनल आपको बताए जहाँ पर फाइनेंशियली भी आपका पैसा बचे, जो बिना ज्ञान के आपको बताएगा केवल बेचने के लिए, वो तो आपको 10,000 के सप्लीमेंट भी बेच देगा, पर हो सकता है कि कंसल्टेंट आपको 5,000 रुपये में ही आपका काम करवा दे। तो ये जो दिल्ली में पकड़े गए हैं फेक सप्लीमेंट्स, ये फेक सप्लीमेंट्स का बहुत मार्केट चल रहा है। एक हमारे यहाँ की गंदी आदत ये है, यहाँ की भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया इज़ अ प्राइस कॉन्शियस इकोनॉमी, प्राइस कॉन्शियस पीपल, कि क्वालिटी को पीछे छोड़ देते हैं। हम लोग सस्ते के पीछे दौड़ते हैं, ऊपर से ऐसा कंपटीशन है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दे प्रिफर टू टेक थिंग्स विदाउट बिल फ्रॉम दी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए ऑथराइज जो होते हैं वो भी विदाउट बिल देते हैं, बिकॉज इट्स अ बैड गेम, इट्स बिजनेस। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे को भी बहुत ऑफर्स आते हैं कि सर आप 12 पीस जो है वो विद बिल ले लो, 12 पीस जो है विदाउट बिल ले लो। बट आई मेक श्योर कि मैं अगर 24 पीस ले रहा हूँ तो आई शुड हैव द GST पेड बिल ऑफ 24 पीसेस। That gives me a confidence कि मेरे पास जो ये 24 पीस हैं ये ओरिजिनल है। आप समझ रहे हैं, पर ये आपको नहीं पता होता ना। मैं हमारे इंडस्ट्री की इनसाइड चीज़ आपको बता रहा हूँ। देर लॉट ऑफ डीलर्स वॉट दे डू 50% ऑफ देयर बिजनेस इन टू कैश, मीन्स विदाउट बिल, एंड 50% इन टू विद बिल, एक नंबर का। तो उनका मिक्स चलाते हैं। अब वो ग्राहक को देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं कि भाई ये तो इसको तो विद बिल देना पड़ेगा तो ये दिया, दूसरा आया है ये तो बेवकूफ़ है, इसको जो है विदाउट बिल दे दो, तो इस पे अगर अपन ने कम करके दे दिया तो इसके ऊपर हम कवर अप कर लेंगे। वो इस मॉडल को चला रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, आपका।
और हमें पता भी नहीं कि आप में से किसका नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट ये उस डीलर को भी नहीं पता कि उसके पास जो विदाउट बिल उसने 12 पीस लिए हैं उसमें से नकली कौन सा है, क्योंकि देर इज नो ऑथराइजेशन ऑफ दैट 12 पीसेस। तो आप सबसे एक बहुत ही बिना मांगे की सलाह दे रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री में हूं, जोधपुर का पहला सप्लीमेंट स्टोर मैंने खोला और मैं बहुत प्राउडली कहता हूं इसको, चाहे कुछ लोग कहें कि क्यों चिल्ला चिल्ला कहते हैं, हाँ भाई खुद ही को चिल्लाना पड़ेगा, मार्केटिंग हम खुद ही की करेंगे ना, है भाई हमारे पास तो टीवी पे ऐड देने के पैसे नहीं, सीधी सी बात है, जब होंगे तो वो भी देंगे, पर आज की डेट में हम भी बता सकते हैं कि हमने क्या किया है। तो आई हैव बीन इनटू सेलिंग ऑफ द सप्लीमेंट सिंस 2012, इज द 8th ईयर गोइंग ऑन, आई नो द इन एंड आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आई हैव माई सेल्फ मेड अ पॉइंट कि मेरे स्टोर के अंदर एक रुपए की भी चीज़ विदाउट बिल नहीं जाएगी, जाएगी तो ऑथराइज इम्पोर्टर से जाएगी, और अगर किसी कंसल्टेशन लेना है तो मैं उसको वो देता हूँ जो मैंने पढ़ा है, मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ा है तो मैं वो ज्ञान शेयर करता हूँ। बट वॉट इज हैपनिंग इन जोधपुर दैट पीपल हैव नॉट स्टडीड हु आर रनिंग द स्टोर्स एंड स्टिल देयर एडवाइजिंग इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट पीपल लाइक यू हु आर लिसनिंग, वो लोग बिना जाने उनसे पूछ भी लेते हैं, अच्छा सर प्रोटीन कौन सा लें, आइसोलेट ले लें, अच्छा सर कॉन्सेंट्रेट ले लें, सर प्री वर्कआउट, हाँ ये प्री वर्कआउट तुम्हें लेना ही चाहिए, ये तो इसके में तो होगा ही नहीं तुम्हारा, और सर इसके बाद अरे ये तो बीटा लाना ही ले लो भाई, इसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बॉडी बनेगी, अरे एक महीने में रिजल्ट है। भाई साहब इस तरह के ना करें, एक तो ये फेक धंधे चल रहे हैं, ऊपर से आप अज्ञान की तरह अज्ञानियों की तरह दौड़े जा रहे हैं। आपका जो भला है इसी में है कि सप्लीमेंट यूज़ करें, ठीक है, पर इट हैज़ टू बी अंडर प्रॉपर गाइडेंस, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, द ओनली जॉब यू नीड टू डू इज टू फाइंड आउट हु इज द राइट पर्सन, जस्ट डू नॉट आस्क अबाउट द सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेशन तो यूँ कर लोगे आप। मैंने भी 12वीं पास करी थी, मेरे दोस्त ने भी 12वीं पास करी थी, मेरे आए थे 82%, उसके आए थे 45% या 47%, 12वीं तो दोनों ने पास कर ली, बट हु इज बेटर, सवाल वो है। सर्टिफिकेट तो कोई भी ले आएगा, बट हु डिजर्व टू बी अ राइट टीचर, बिकॉज टीचिंग इज अ स्किल, आप समझिएगा इस चीज को, टीचिंग इज अ स्किल, इट्स एन आर्ट। तो केवल सर्टिफिकेट वाले के पास भी नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि किसमें वो दम है, किसमें वो सही ज्ञान है, किसके पास गुडविल है, किसके पास रेप्यूटेशन है जो हमें एक सही राह दिखा सके। मैं कुछ वर्कशॉप्स करना चाह रहा हूँ जिसका मैं अनाउंसमेंट करूँगा, अगर आप में से इंटरेस्टेड हैं कुछ लोग, वर्कशॉप्स इन द सेंस कि यू गाइज विल बी इन्वाइटेड टू अ प्लेस, वी विल सिट, वी विल टॉक अबाउट द राइट यू नो द फिटनेस मॉडल क्या होना चाहिए आपकी लाइफ का, वी विल टॉक अबाउट सप्लीमेंटेशन, अ जनरल टॉक हम लोग रखना चाह रहे हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद में, हालांकि 13 मिनट बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू मीट विद ईच अदर, टू मीट द राइट पीपल एंड डिस्कस वॉट इज द राइट यूसेजेस ऑफ सप्लीमेंट्स एंड वॉट शुड बी द राइट फिटनेस मॉडल ऑफ योर ओन, तो मुझे प्लीज़ DM करें, मुझे इनबॉक्स करें, हम लोग मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं, करेक्ट। फेक सप्लीमेंट से दूर रहें, अच्छे स्टोर से खुद जाकर के खरीदें, ट्रेनर्स पर ट्रस्ट करें, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बट ट्रेनर्स आर नॉट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट इन जोधपुर, मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट नो वॉट एग्जैक्टली शुड बी द सप्लीमेंट स्टैक, और वो आपको कहाँ से ला करके दे रहे हैं आपको भी नहीं मालूम, ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छी गुडविल है उस ट्रेनर के साथ में, बहुत अच्छे संबंध हैं, ज़रूर खरीदें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कहीं भी 1% जाकर खुद देखना चाहिए, तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, आर स्टोर्स नेम इज़ फिटनेस ट्यूटर सप्लीमेंट्स, वी आर इन जोधपुर सिंस 2012, गेटिंग यू द बेस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर टाइम, बाय बाय।